दोस्तों एक दिन, एक महीना और एक साल में कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता। लाइफ में कुछ भी करो हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ करो। सक्सेस का एक ही फॉर्मूला होता है, लगे रहो और डटे रहो। आप जो कुछ भी कर सकते हो सिर्फ जवानी में कर सकते हो। साला वक्त निकलने के बाद घंटा हाथ नहीं आने वाला। आज मैं एक ऐसी लड़की की स्टोरी लेकर आया हूं जिसकी बचपन में माँ नहीं थी और जिस बच्चे को लाइफ में माँ का प्यार ना मिले जानते उसका दर्द कितना कष्ट देने वाला होता है। मगर ये लड़की आज लाखों दिलों की धड़कन है, ग्लैमर इंडस्ट्रीज का हिस्सा है, अपनी लाइफ में सक्सेस है बिकॉज ऑफ वो लगातार सालों से कंसिस्टेंटली लगी हुई है। दोस्तों तन्वी डोगरा ऐसी एक्ट्रेस जो टेलीविजन इंडस्ट्रीज में बिना किसी गॉड फादर के सक्सेस है। क्या आपने स्टार भारत के सीरियल जीजी माँ को देखा है? उसकी सक्सेस में उनके फागुनी के रोल की कहानी मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होगी और ये कहानी बेहद शॉकिंग है। 2017 में जब ये सीरियल आया था तब तन्वी डोगरा को कोई नहीं जानता था, फिर भी उनके फागुनी के रोल ने कंट्री वाइड पॉपुलरिटी गेन की जिसके बाद उनके रोल को ऑडियंस द्वारा अप्रिशिएट किया गया। दोस्तों तन्वी डोगरा का ये रोल इतना फेमस हुआ जिन्हें एक बार फिर आप उन्हें कलर टीवी के सीरियल परिणति में लीड रोल एक्टिंग करते देख सकते हैं। और दोस्तों तन्वी डोगरा की लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनकर मुझे ऐसा लगा ये स्टोरी आप तक पहुंचानी चाहिए ताकि आपके लाइफ में भी बदलाव आ सके। क्या आप सोच सकते हो जो लड़की 26 साल की उम्र में इतनी सक्सेस है, जिसने अपना करियर सिर्फ 18 साल की उम्र में मॉडलिंग से पॉकेट मनी के लिए शुरू किया था? शौक मत होना, ये सच है। और जो लोग ये सोचते हैं ना ग्लैमर इंडस्ट्रीज में बिना किसी गॉड फादर के कभी सक्सेस नहीं मिलती, तो भाई आपका ये विश्वास भी आज टूटने वाला है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 31 अगस्त 1996 को, जब मुंबई की एक मिडिल क्लास फैमिली में साधारण सी बच्ची का जन्म हुआ जिसके पापा एक बैंक में नौकरी किया करते थे और माँ का उनके बचपन में ही निधन हो गया, जिसका छोटा भाई आखिर कर भी क्या सकता था। तन्वी ने एक लोकल स्कूल से अपनी स्कूलिंग के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से जैसे जैसे अपनी इंजीनियरिंग के दौरान एक क्वालिटी स्टूडेंट होने के बावजूद एक्टिंग में इंटरेस्ट के चलते स्टेज शो और पॉकेट मनी के लिए मॉडलिंग करना स्टार्ट किया, जिन्हें बेहद मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। धीरे धीरे वक्त बदलता गया और कुछ समय बाद तन्वी ने इंजीनियरिंग के बाद आईटी सेक्टर में जॉब की, मगर अपने इंटरेस्ट के चलते तन्वी ने जॉब छोड़ दी और टेलीविजन इंडस्ट्रीज में ऑडिशंस देने स्टार्ट किए, जहां उन्हें 2016 में जी टीवी के सीरियल मेरी सासू माँ में बबीता के कैरेक्टर में कास्ट किया गया। सीरियल में उनकी एक्टिंग को देखते हुए जब उन्हें स्टार भारत के सीरियल जीजी माँ में फागुनी के कैरेक्टर में कास्ट किया गया तब उनकी असली कहानी शुरू हुई। जब जीजी माँ में फागुनी का रोल उनकी लाइफ का करियर मेकिंग बिग ब्रेक साबित हुआ, जहां तन्वी को ऑडियंस द्वारा अप्रिशिएट किया गया। मगर जब उन्हें स्टार प्लस के सीरियल एक भरम सर्वगुण संपन्न में काव्या के रोल में उनके डाउनफॉल की वजह से उन्हें ऑडियंस द्वारा क्रिटिक्स का भी सामना करना पड़ा, लेकिन तन्वी ने हार नहीं मानी और अपनी एक्टिंग स्किल को डेवलप कर एनटीवी के सीरियल संतोष सीमा सुनिए वर्त कथाएं पर काम करना शुरू किया। इस बार उसकी किस्मत चमकी जहां तन्वी ने स्वाति और बबली का डबल रोल प्ले किया और इस सीरियल के बाद तन्वी ने सारे आलोचकों का मुंह बंद कर दिया, जिसके बाद इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग लीड कर गई, जो सिर्फ सीरियल में ही नहीं बल्कि मॉडलिंग में भी अपनी एक्टिंग की वजह से सक्सेस है, जिन्हें आजकल बालाजी टेलीफिल्म के सीरियल परिणति में उन्हें नीति के कैरेक्टर में भी देख सकते हैं, जहां तन्वी एक बार फिर लीड रोल एक्टिंग कर रही है। दोस्तों लोग बिना गॉड फादर के भी सक्सेस होते हैं, मगर ये सब उन्हीं के साथ होता है जो कंसिस्टेंटली लगातार अपने स्किल्स पर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तन्वी की ये कहानी आपको यही प्रेरणा देती है, लाइफ में आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन में हो, परिस्थितियां चाहे आपके फेवर में हो या ना हो, फिर भी आप डटे रहो, क्योंकि याद रखना तन्वी ने अपना मॉडलिंग करियर सिर्फ पॉकेट मनी के लिए शुरू किया था और आज 26 साल की उम्र में प्रियंका चोपड़ा को अपना आइडियल मानने वाली ये लड़की 50,000 रुपए पर एपिसोड सीरियल्स में लेती है, 5,00,000 रुपए मॉडलिंग असाइनमेंट के चार्ज करती है, 20,00,000 की जीप में घूमती है जिसकी वह ब्रांड एम्बेसडर है, लंदन ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तटों पर घूमना फिरना पसंद करती है और टेलीविजन एक्ट्रेस दिशांक अरोड़ा के प्यार में पागल तन्वी मुंबई के सबसे महंगे एरिया में रहती है जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहते हैं। अगर ये लड़की लाइफ में इतना कुछ कर सकती है तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो तुम ना कर सको, बस लगे रहो और डटे रहो। तो दोस्तों ये थी टेलीविजन एक्ट्रेस तन्वी डोगरा। अगर आप तन्वी के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक और हमें कमेंट्स करके बताओ नेक्स्ट वीडियो आप किस एक्ट्रेस पर देखना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।